हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आप स्वागत है, आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है जो सैनिक स्कूल की, बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि क्या है जो आपको जो पेपर है सैनिक स्कूल का, वो 8 जनवरी को होने वाला है। तो इससे क्या है आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आपका जो क्या कहते हैं एडमिट कार्ड है, वो भी क्या है सभी का आ गया होगा। जिसका नहीं आया है वो क्या है जिसका धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कुछ टाइम है, इससे क्या है आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा। तो आप तैयारी क्या है बहुत अच्छे से करते रहें, जिससे क्या है आपको क्वालिफाई कर जाएँ और बहुत अच्छे से क्या है स्कूल में जाकर क्या है तैयारी करें। इसको क्या है आपका बहुत जो सपना है वो साकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या है इसी को देखते हुए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें क्या है मैथ, हिंदी, एप्टीट्यूड वगैरह क्या है सभी कराएंगे। जिसमें क्या है आज पहली वीडियो डाली हो और हम क्या है लगभग 6 दिन तक क्या है लगातार 6 वीडियो डालेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपने क्या है ये जो वीडियो लगातार देख ली 6 वीडियो, तो क्या है आपको बहुत अच्छा जो नंबर है वो गेन कर जाएंगे, ठीक है ना। और आपका क्या है नंबर पक्का आ जाएगा। तो आपने जो भी तैयारी की है वो अच्छी बात है, ठीक है ना। और यदि आपने ये जो आज की जो हमने वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो यदि क्या है आपने देख ली, जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज आपने देख ली, तो क्या है बहुत अच्छे नंबर क्या है गेन कर जाओगे, ठीक है ना। तो ये क्या है वीडियो आराम से क्या है देख सकते हो, और जो सवाल पसंद आ रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, वो क्या है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने जो पेपर डिज़ाइन किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है। पहला जो पेपर मतलब वीडियो के लिए जो पेपर डिज़ाइन किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा वो इसी फॉर्मेट में मिलेगा। देखो इस तरीके से मिलेगा, सबसे पहले ऊपर निर्देश लिखे हुए होंगे, इसमें लिखा हुआ होगा इस प्रश्न पर 3 भाग होंगे। आपको क्या है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो क्या है अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी ओएमआर शीट में क्या है देना होगा, ठीक है ना। नंबर 1 पहला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा गणित का होगा, इसमें 50 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न कितने का अंक, 3 अंक का हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा 3 अंक का होगा, ठीक है ना। दूसरा जो तुम्हारा भाग होगा वो क्या होगा सामान्य, दूसरा जो भाग होगा वो क्या होगा तुम्हारा सामान्य ज्ञान का होगा, ठीक है ना। दूसरा भाग किसका होगा सामान्य भाग का, और भाग गा यानी कि तीसरा भाग होगा वो क्या होगा वो इसमें दिखाया गया है यानी क्या है भाग का भाषा का होगा, जिसमें क्या है हिंदी वगैरह आएगी, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन क्या है अब प्रत्येक में क्या है 25 प्रश्न होंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न क्या है 2 अंक का होगा। अब देखो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कौन कौन निभाएगा इसमें, मैथ निभाएगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो दे रखा है 50 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के 3 अंक होंगे। तो आप समझ सकते हो कितनी अहम भूमिका होगी, जो प्रश्न जो क्या है मैथ को कर ले जाएगा वही क्या है जो क्या है सैनिक स्कूल में क्या है एडमिशन के लिए क्या है बहुत अच्छे नंबर गेन कर जाएगा, क्योंकि इसकी मेरिट है वो क्या है अच्छी खासी रहती है। तो इस चक्कर से क्या है आप बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी, इसीलिए क्या है हमने मैथ पर ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो मैथ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ, तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले खंड खा, इसी तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है ना। खंड खा मिलेगा वो इसी तरीके से मिलेगा, मैथ का क्या है खंड खा मिलेगा, जिसमें आपको क्या है इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो हमने क्या है ज़्यादातर फोकस किस पे किया है, मैथ पे किया है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है मैंने 5 8 7 5 2 0 6 1 से बनने वाली सबसे बड़ी अंक की संख्या क्या होगी। तो देखो बड़ी अंक की संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अब देखो मैं क्या है आराम से बताऊंगा और बहुत इत्मीनान के साथ सॉल्व कराऊंगा। तो हम क्या करते हैं बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या है बड़ा नंबर लिखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लिख लूँगा 8 है सबसे बड़ा, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 6 है, 5 है, फिर 5 है, 5 के बाद कितना है फिर 5 के बाद फिर है 2 है, ठीक है ना, 2 है, फिर कितना है 0, 2 के बाद 1 है, फिर 0 है। इस तरीके से दे रखा है यानी कि 87 65 52 10। तो देख लेते हैं 87 65 52 10 किस में है, 87 65 52 10 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप क्या है अंकी संख्या बना सकते हो, ठीक है ना, जब कोई तुम्हारे लिए कोई नंबर दे रखे हो। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है देखो ये बोल रहा है कि यदि ये नंबर दे रखे हैं इनको क्या है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो किस तरीके से क्या है कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो सबसे पहले दे रखा है 52,806, दूसरा दे रखा है 52,086, तीसरा दे रखा है 52,860, अगला दे रखा है 52,800, फिर दे रखा है 52,860, ठीक है। तो हमें क्या है आरोही क्रम में लिखना है इसके लिए। आरोही क्रम में देखो क्या होता है बच्चों, आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी कि क्या है ऊपर को बढ़ते हुए क्रम में जाओगे तो वो क्या हो जाता है आरोही क्रम, और नीचे की क्या है घटते हुए क्रम में आओगे यानी कि बड़े से क्या है छोटे के क्रम में आओगे तो हो जाता है हमारा अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आरोही क्रम पूछ रहा है, आरोही का मतलब क्या है हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, इसमें कौन सी संख्या लिखनी है सबसे छोटी संख्या। तो देखते हैं हम सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 52,806, 52,086, ठीक है ना,
तो सबसे पहले हमें छोटी जो संख्या दिख रही है वो कितनी है, 52,086। क्या दिख रही, नंबर एक पर क्या आ जाएगी, 52,086। फिर दे रखा है हमारे लिए 52,860। फिर दे रखा है हमारे लिए 52,800, पूरे पूरे 800, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर देखते हैं, एक ये देखो 52,860 ये दे रखा है, और 52,860 ये दे रखा है, और 52,806 दे रखा है, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगी, ठीक है ना। और 860 और 860 ये क्या है, तीसरे चौथे और पाँचवें नंबर पर हो जाएंगे, चौथे और पाँचवें नंबर। वैसे तो ये बराबर है, 52,860 है ये भी और 52,860 है ये भी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा, 86,800 वाला, 86,800 वाला देखो, एक पहले वाले ऑप्शन में सबसे पहले 86 है, एक दूसरे वाले में ऑप्शन में 86। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं, क्या दूसरे नंबर पर 52,800 है, तो देखो इसमें 52,800 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले विकल्प में क्या है, 52,800 है तो ये सही है। और उसके बाद में क्या आना चाहिए, तीसरे नंबर पर 52,806 तो ये भी सही है, 52,806। फिर क्या है, 52,860 और 52,260, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है हमारी जो संख्या हैं वो हो जाएंगी, ठीक है ना, सॉरी 52,860। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है 58,260, यहाँ पर दे रखा है 58,260, लेकिन क्या है यहाँ पे ऐसा कोई ऊपर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो देखिए ना, वैसे तो क्या है यही क्रम अपनाएगा, वहाँ पर क्या है एक नंबर जो लास्ट में आएगा इसकी जगह क्या कर लोगे आप, 58,260 कर लोगे, 58,260 कर लोगे, फिर ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो संख्या ज्ञात करें जिसमें क्या है 9,25,564 में से घटाने पर उत्तर 2,34,251 और क्या है 352,421 के योग के बराबर हो, यानी क्या है। सबसे देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, सबसे पहले क्या करना है आपको पेपर में, सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को क्या है पढ़ना है। तो देखो ये कह रहा है कि क्या है 9,25,564 में से घटाने पर उत्तर इतने और इतने के योग के बराबर हो, तो सबसे पहले क्या है इन दोनों को जोड़ लोगे, ठीक है ना। तो जोड़ते हैं हम, देखो एक और एक कितना हो जाएगा, जब इसे जोड़ोगे तो कितना जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, हम इन दोनों संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इनके लिए एक और एक दो, पाँच और दो सात, ठीक है ना, चार और दो छः, ठीक है ना, चार और दो छः, फिर है चार और दो छः, फिर है पाँच और तीन आठ, और तीन और दो पाँच, यानी ये बना 586,672। अब 586,672 को बोला क्या है 9,25,564 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस करोगे तो देखो चार में से दो जाएगा, कितना बचेगा, दो बचेगा, और छः में से सात नहीं जाएगा तो जैसा हासिल ले लेंगे, क्या है 16 में से सात जाएगा कितना बचेगा, नौ बचेगा, इतना बचेगा नौ बचेगा। फिर क्या है हमारा इधर से क्या है, यहाँ कितना रहेगा, चार रहेगा, चौदह में से छः जाएगा कितना बचेगा, आठ बचेगा, ठीक है ना, आठ बचेगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा हमारा, यहाँ पे भी चार रह जाएगा, यानी चौदह में से छः जाएगा, फिर आठ बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, यानी ग्यारह, ग्यारह में से आठ माइनस करो कितना बचेगा, तीन बचेगा। यहाँ पर कितना रह गया, सात रह गया, सात में से पाँच जाए कितना बचेगा, सॉरी आठ, आठ में से पाँच जाए कितना बचेगा, तीन। तो ये देख लो 33,88,92, 33,88,92, 33,88,92 कौन से में, हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन बोल रहा है वो कि इस नंबर को क्या है, यदि 25 से गुणा की जाए तो क्या है आंसर कितना आएगा। तो देखो गुणा कर लेते हैं हम, 25 की जब एक में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, ठीक है ना, फिर 25 से कम 25, और फिर क्या है 25 से कम 25, तो ये आएगा 25 25 तीन बार आएगा। देख लो कौन से ऑप्शन में हमारा 25 25 तीन बार है, ठीक है ना। तो बी वाले ऑप्शन में क्या है हमारा 25 25 तीन बार है, तो ये हमारा आंसर है वो क्या है, बी वाला क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो सैनिक स्कूल में जो पेपर आता है उसमें क्या है हुबहू बिल्कुल क्या है इसी तरीके से क्वेश्चन क्या है फंसने वाले हैं। यदि क्या है देखो ये तरीका आपको आता है तो आसानी से क्या है आप पेपर कर ले जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि तरीका आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पूरे डिजिट टू डिजिट पेपर में फंस जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, हमारे लिए क्या है तरीका आना चाहिए क्वेश्चन करने का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है पाँचवा क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि तीन बहनों की औसत आयु 15 साल है, यदि दो बहनों की उम्र 12 साल और 15 साल हो तो तीसरी बहन की आयु कितनी है। तो देखो सबसे पहले ये बोल रहा है तीन बहनों की औसत आयु कितनी है 15 साल, तीन बहनों की औसत आयु कितनी है 15 साल। तो हमें क्या करना होगा, पहले तीनों बहनों की टोटल निकालना है, यानी कि टोटल आयु कितनी है, जब औसत 15 साल है तो टोटल आयु हमें देखना है कितनी। देखो हमें बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ
कि यदि क्या है नंबरों की गुणा औसत से कर दें तो हमारा टोटल निकल आता है, यानी कुल कुल नंबर क्या है, कुल योग निकल आता है। तो तीन की गुणा इस 15 से कर दो तो 15 की कितना हो जाएगा 45। तो तीन बहनों की जो आयु है वो कितनी है 45 है, कितनी है 45। जबकि क्या है दो बहनों की उम्र कितनी, एक की 12 है और एक की क्या है 15, यानी 15 और 12 यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 2 70 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। यानी दो बहनों की आयु 27 है और तीन बहनों की आयु कितनी है 45। दो बहनों की आयु कितनी है 27 है और दो बहनों की आयु 27 है जबकि तीन बहनों की आयु कितनी है 45 है, ठीक है ना। तो 45 में से 27 माइनस करो तीसरी बहन की क्या है आयु निकल आएगी। तो 15 में 7 माइनस करो कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना 3, 3 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 1। तो क्या है जो एक सिस्टर है उसकी उसकी आयु कितनी है 18 वर्ष है, कितनी हो जाएगी 18 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि लीप वर्ष का 7/6 कितना होगा। तो वो लीप वर्ष एक वर्ष होता है हमारा साधारण वर्ष होता है, लेकिन क्या एक वर्ष क्या होता है हमारा लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो क्या है 3 फरवरी होती है वो क्या है 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है 29 दिन की होती है। तो इसलिए क्या है जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का हो जाता है, कितने दिन का 366 दिन का हो जाता है। तो 366 का क्या है 7/6 पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो इसे डिवाइड कर लो 6 से, 6 से भाग करोगे 6 × 36 और 6 × 6 कितना है 61। 61 को 7 से गुणा कर दो, 61 से जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 7 और 7 × 42, ठीक है कितना आ जाएगा 427, कितना आ जाएगा 427। यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि क्या है लीप वर्ष होता है वो क्या है 366 दिन का होता है। 366 दिन का क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें जो फरवरी होती है वो क्या है 29 दिन की होती है, और जो फरवरी 29 दिन की कब आती है जो क्या है हर 4 साल बाद क्या है फरवरी 29 दिन की आती है, वो क्या है लीप वर्ष होता है, ठीक है ना। तो लीप वर्ष निकालने का जैसे पता नहीं कि मतलब किस कौन सा लीप वर्ष होगा यदि आ भी जाए तो देखो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं लास्ट वाली डिजिट यदि क्या है हम 4 से डिवाइड करते हैं और मतलब डिवाइड हो जाए तो वो क्या कहलाता है लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अब हमारा क्या है 2023 है, तो 2023 में क्या होगा ये लास्ट के 23 नंबर है ये क्या है 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप वर्ष, यानी इसमें क्या फरवरी 28 की होगी। अगर क्या है 2024 में यदि क्या है लास्ट के दो डिजिट क्या है 24 है, ये 4 से डिवाइड हो जाए 4 × 6 = 24, तो इसमें जो ये वाला लीप वर्ष होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वां क्वेश्चन, रोमन अंक दे रखा है, इसे क्या है अरबी अंकों में लिखना है, यानी कि नॉर्मल अंकों में लिखना है। तो मैं इस ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, देखता हूँ कौन कौन इसका है क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और यदि कहा आपको नहीं आता ये रोमन नंबर तो मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में बता देना है कि हाँ सर हमारे क्या है समझ में नहीं आते रोमन नंबर, तो मैं क्या है इसके बारे में बता दूँ किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 700/10, फिर दे रखा है 12 × 8, फिर भाग का चिन्ह दे रखा है 34 − 10। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो पहले क्या है सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट सबको सॉल्व कर लेते हैं। 34 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा, कितना बचेगा 24। फिर क्या दे रखा है भाग का चिन्ह दे रखा है, क्या दे रखा है भाग का चिन्ह दे रखा है, और कितना दे रखा है 12 × 8 यानी कि 96, 12 × 8 यानी 96, 96 को 24 से भाग करोगे यानी 24 × 96। तो देखो इतनी ब्रैकेट सॉल्व करके कितनी आई हमारा 4 आया निकल के, कितना आया 4 आया निकल के। अब देखो 700 और आगे कितना दे रखा है मतलब 700/10 यानी भाग में 10, भाग का मतलब क्या बटे में लिख सकते हैं। तो 10 से 700 को भाग करो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, कितना आएगा 70 आ जाएगा। अब 70 बीच में किसका चिन्ह है ये माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा दिया हमने। 70 में से जब 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 66 बच जाएगा, कितना बचेगा 66 बच जाएगा। देखो बहुत आसान तरीके से कराऊंगा मैं, इसी तरीके से आपको क्या है पेपर में करनी है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें क्या है सवालों को देखते हुए क्या है इतना टाइम भी नहीं है जो क्या है बहुत ज़्यादा टाइम हो, तो आसानी से क्या है बहुत अच्छे तरीके से इस मैदान के साथ आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दे रखा है मान लिया कि 2% बदलिए। तो दो को किसी भी नंबर को परसेंट बदलने के लिए क्या है क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या है किसी नंबर को यदि हमें परसेंट में बदलना हो तो परसेंट बदलने के लिए क्या है हम 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो नंबर क्या हो जाता है हमारा परसेंट बदल जाता है, और परसेंट हटाना होता है तो परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम 100 से भाग कर देते हैं। तो 100 से जैसे ही 2 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक बिक्की है, बिक्की ने क्या है 3000 रुपये में एक साइकिल खरीद ली, ठीक है ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि उसे 2700 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ हुआ या हानि। तो सबसे पहले तो ये पता बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि उसके लिए क्या जब उसने 3000 की खरीदी है और उसे 2700 में बेच दी है, तो इसका मतलब क्या उसने कम में बेची है, ज़्यादा में खरीदी है कम में बेची है, इसका मतलब उसे हानि हुई है। तो 3000 कितने की हानि हुई है, तो 3000 में से हम क्या करेंगे 2700 घटा देंगे, तो कितना का अंतर आएगा हमारा 300 रुपये का क्या अंतर
आ जाएगा, उसे कितने रुपए की हानि हुई है, 300 रुपए की क्या हानि हुई है, लेकिन वो रुपए में नहीं पूछ रहा, परसेंट पूछ रहा है। देखो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे और फिर बटे में क्या लगाते हैं, क्रयमूल लगा देते हैं। क्रयमूल कितना हमारे पास में, 3000 है, कितना है, यानी खरीदने वाला क्या कहलाता है, क्रयमूल, और बेचने वाला क्या कहलाता है, हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ से जब काटोगे तो देखो 30 से ये 30 कट गए, ठीक है, और इस 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बचा, केवल 10 बचा, तो उसे क्या है, 10% की हानि हुई, यानी 10% की हानि का मतलब क्या है, 10% का क्या होता है, नुकसान हो गया। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो एक ट्रेन शुक्रवार 1:00 अपराह्न 15 मिनट पर क्या है, हैदराबाद छोड़ती है, यानी क्या है, एक ट्रेन है वो शुक्रवार को क्या है 1:15 अपराह्न पर हैदराबाद छोड़ती है, सुबह 7:30 यानी 7:30 चेन्नई पहुँचती है। यात्रा की अवधि निकालनी है हमें, क्या है, यात्रा में कितनी मतलब कितना टाइम लगा है। तो देखो 7:30 क्या है, चेन्नई पहुंचती है, 7:30 का मतलब क्या है, हम देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो हमारा जो जितने टाइम लास्ट में कोई पहुंचती है सवारी या कोई भी क्या है गाड़ी पहुंचती है, उसमें क्या करते हैं, 12 ऐड कर लेते हैं। तो देखो 12 इसमें जोड़ लो, तो 7:30 में जब 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 + 7 = 19:30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 19, यानी कि इसमें क्या है 7:30 में 12 ऐड करो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है, जितने टाइम आप क्या लास्ट हो रहा है एंड हो रहा है उसी में क्या करना है आपको 12 ऐड कर लेना है। तो इसमें क्या है, 7 जब 12 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 7 = 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 और 30 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब 19:30 आया, अब 19:30 में से क्या है 1:15 घटा दोगे, कितना घटा दोगे 1:15 घटाओगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको मेरा, ठीक है ना। अब 30 में से 15 घटाओगे 15 बचेगा, और 19 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 18, तो कितना आ जाएगा 18 + 15 का है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 + 15। देखो बहुत अच्छी ट्रिक के साथ क्या है आपको इसी तरीके से पेपर में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि करिश्मा ने 1,39,500 रुपये में 2 हार खरीदे, उसने उनमें से एक को क्या है 75,000 का बेच दिया और दूसरे को क्या है 80,000 का बेच दिया, तो उसे कितना पैसा मिला। तो देखो सबसे पहले क्या है 75,000 और 80,000 के लिए क्या है जोड़ लो, जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन्हें जब जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारा जोड़ के, ये 0000 तो है ही दोनों में, ये लगा दिए हमने, कितना आ जाएगा 5 और 8 = 15, यानी कि क्या है कितना आ जाएगा 1,55,000, कितना आ जाएगा 1,55,000। अब उसने क्या है 1,39,500 रुपये की क्या है उसने खरीदी थी, 1,39,500 की क्या उसने खरीदी थी, ठीक है ना। अब 1,55,000 में से क्या है 1,39,000 माइनस कर दो, ठीक है ना। तो देखो कितना आएगा 00, 10 में से 5 जाएगा 5, नीचे से ऊपर वाले हटा रहे हैं क्योंकि नीचे वाला नंबर है जो बड़ा है, ठीक है ना, वो ऊपर नीचे लग गया उससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या है यहाँ पे 4 बचे, 14 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, यहाँ पे कितना बचा, फिर 4 बचे, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 15,500, कितना आ गया 15,500। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 15,500 वाला जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या है आपको क्वेश्चन करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि क्या एक ऊंचे कार्यालय भवन में क्या है 85 मंजिल हैं, यानी 85 मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल में 48 खिड़कियां हैं, प्रत्येक खिड़की को 64 बल्बों से सजाया जाना है, सभी खिड़कियों को सजाने के लिए कितने बल्ब की आवश्यकता होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी आपको देना है, देना किस तरीके से मैं बता देता हूँ। देखो 85 की 48 की और क्या है 64 की, जब तीनों की गुणा कर लेना आपस में, ठीक है ना। सबसे पहले 85 और 48 कर लेना, जो आंसर आए उसकी क्या है 64 से गुणा कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और जो भी क्या है गुणा करके आंसर आए उसको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर क्या है 13वें क्वेश्चन का क्या है जो आंसर है वो ये आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या है, वह छोटी से छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात करो जो 19 से पूर्ण तरीके से क्या है विभाजित हो जाए। तो देखो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है वो, तो छोटी से छोटी संख्या पहले लिख लो 5 अंकों की, कितनी हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, ये छोटी से छोटी संख्या होगी, लेकिन क्या है ये 19 से विभाजित होनी चाहिए, तो ये 19 से विभाजित होगी नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं पहले 19 से विभाजित करते हैं, फिर देखते हैं इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 19 से जैसे ही विभाजित करोगे इसलिए कितना आ जाएगा 19×95, 5 बार चले जाएंगे, ठीक है ना। 95 100 में से क्या है 95 माइनस करो कितना बचेगा 5 बचेगा, उतारिए कितना 5 50 हो गया, ठीक है ना। 19×2 = 38, 2 बार चले जाएंगे कितना हो जाएगा 38, ठीक है ना। अब 50 में से 10 में से 8 जाएगा कितना, यहाँ से कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है इस चक्कर से क्या है ऊपर कर लेते हैं, 10 में से क्या है 8 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 12 बचा, फिर 1 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब देखो कितने बार चले जाएंगे,
क्या 6 बार चले जाएंगे, 6 9 54, 6 1 6 और 5 11, 6 बार चले जाएंगे, 6 1 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 1 6 और 5 11, 114, ठीक है ना। कितना बचेगा 6, यानी कि 60 बचा, ठीक है। हमने जीरो उड़ा लिया क्योंकि देखो पहला वाला जीरो यहाँ तक आ गया था, ए वाले जीरो यहाँ उतार लिया था और लास्ट जीरो बचा था ये, वो क्या हमने यहाँ पर उतार लिया। तो 19 2 38 19 57, कितना बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, यानी 57। 60 में से 57 घटाओगे, 60 में से 57 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो 3 नंबर 19 में से माइनस कर दोगे, 19 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, कितने बचेंगे, 16 बच जाएंगे, ठीक है ना, कितना 16। तो 16 नंबर और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड दोबारा देखते हैं कुछ इसमें क्या है, गड़बड़ हो गई लग रहा है। 19 से भाग करने के लिए बोल रहा है ये, 19 से जब भाग करोगे कितने को, 5 अंकों की संख्या को, छोटी छोटी की बात कर रहा है, तो क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, भाग करते हैं हम इसके लिए। तो देखो कितने बार चले जाएंगे, 19 5 95, 5 बार चले जाएंगे सबसे पहले, 95, 100 में से 95 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, उतार लिए हमने 0, ठीक है ना। 19 2 38 तो देखो माइनस करोगे, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ कितना, 4 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा, उतार लिया हमने 0। अब फिर कितने बार लगाए थे हमने यहाँ पे, हमने 6 बार लगाए थे, 6 9 54 4 हासिल 5, 6 1 6 और 5 11, यानी 114। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर तो केवल 6 ही बचेगा ना, ठीक है ना। उतार लिया कितना, 0, ये वाला हमने क्या है, 0 जो रह, ये वाला था जो 0 हमने उतार लिया, ये वाला यहाँ पर उतार लिया और ये वाला यहाँ पर उतार लिया, तो केवल 6 ही बचा, क्या बचा हमारा लास्ट में, 6 बचा, ठीक है ना। अब 19 में से 6 माइनस कर दो, 19 में से क्या है, 6 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 13, 13 क्या है, इस नंबर में जोड़ दो, 13 जब इस नंबर में जोड़ोगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इन 10,000 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, 13 क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 38 68 को अलग अलग भाग देने पर दोनों दशाओं में क्या है, 7 शेष बचे, ठीक है ना। ऐसी संख्या ज्ञात करो, देखो अब इसके करने के दो तरीके हैं हमारे पास में, कौन कौन से, देखो सबसे पहले क्या हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे करोगे, 10 से भाग दो 38 के लिए क्या है, 10 3 30, 8 शेष बच रहा है हमारा, ठीक है, 8 सही है, 8 शेष बचना चाहिए, फिर 15 6 60, 8 शेष बच रहा है, बिल्कुल सही है, तो हमारा क्या है, यही क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 8 शेष बचना चाहिए, तो हमारा क्या है, इसी से क्या है हमारा, 8 शेष बच रहा है, ठीक है ना। भाग देने में दोनों दशाओं में क्या है, 8 शेष बचता है, तो 10 3 30, 8 बचा, 10 6 60, 8 बचा, 15 2 30, 15 6 60, दूसरे भी बन रहा है, दूसरे से क्वेश्चन से, दूसरे से बनना, बल्कि तीसरे से भी बनना है, ठीक है ना। 60 30 30 1 30 और 30 2 60, जबकि क्या है, इससे नहीं बनना है, तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब 60 से ना बचे, ठीक है ना, ये वाला होगा तो ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, आगे की क्या है तैयारी रख, मतलब क्या है जारी रखने के लिए, अब अगली वीडियो क्या है यहाँ से आगे आएगी, ठीक है ना। चैनल को क्या है लाइक कर लें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्या है सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या है तुरंत को तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये जो आपकी सीरीज है 8 तारीख क्या है लगातार चलती रहेगी, और क्या है 7 तारीख को क्या है आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें क्या है आपको सभी चैप्टरों से लेकर क्या है क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या है यदि सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है तो इसको क्या है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।